बेटा, तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हो ना, तो फिर फेल होने का नाटक क्यों किया? कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले साल एथिकल हैकिंग का टॉपर है ये। तुम उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर भी एक बड़ी कंपनी के फायरवॉल क्रैक करके हैक किया। उस कंपनी के सीईओ ने तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफ द डेकेड ऑफर किया, पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? अगर मैं भी चला गया तो मेरे मां बाप अकेले पड़ जाएंगे। बहन तो विदा होके जा ही रही है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़े। घर में चाहे कितने भी नौकर मौजूद हो, एक बेटे से बेहतर मां बाप का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे मां बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। इसीलिए मैंने वो झूठ कहा था, ताकि अपने पापा का सहारा बन सकूं। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी न बनूं। परिवार के साथ रहना था, ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। पर तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूं और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए, वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल। अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा। और क्या चाहिए लाइफ में? और कुछ नहीं चाहिए अंकल, इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूछते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले मां बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? इनके आगे पैसा क्या है, ये मेरी आत्मा है। रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता, यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूं, मुझे ये मौका मिला। अरे मां, क्या है ये? बच्चों की तरह रो रही हो। पापा, हाँ भी ना। जब मैं इस गांव में आया था, मुझे लगा था कि मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हों, लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हूं जो अपने मां बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। नो वर्ड्स। जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। अगली बार एक सरप्राइज लेकर आऊंगी।